Hello everyone. So, in the last class, we have discussed unit number five, that is uh, realism, naive, and scientific. We are solving one marks questions for the upcoming logic and philosophy examination, which will be held in the month of March. <coughs> so, uh, today in this video, we will discuss unit number six, that is idealism, subjective, and objective. आइडियलिज्म का मतलब क्या है पहले ये थोड़ा हम जान लेते हैं कि आइडियलिज्म इज ऑफ थ्री टाइप्स एक्चुअली आइडियलिज्म जो है उसके तीन प्रकार है एक है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म एक है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और एक है फेनोमेनालिस्टिक आइडियलिज्म ठीक है तो आइडियलिज्म सब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ये दो टाइप्स जो है ये हमारे इस साल के लॉजिक एंड फिलोसफी में है तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का फादर कौन है किसने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया था तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया था बार्कली ने बी ई आर के ई एल ई वाई बार्कली एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है उसको दिया था हैगल ने एच ई जी ई एल हैगल एकदम सिंपल है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का कहना ये आइडियलिज्म का कहना ये है पहले आइडियलिज्म के बारे में थोड़ा जानते हैं जैसे रियलिज़्म ने बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है तुम तो उसके बारे में जान भी सकते हो नहीं भी जान सकते हो लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट जो है उसका अस्तित्व रहेगा आइडियलिज्म का कहना कम्प्लीटली अपोजिट है आइडियलिज्म कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो माइंड डिपेंडेंट है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नहीं जानता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ठीक है हम एक चीज़ को डाउट कर सकते हैं ए थिंग कैन बी डाउटेड एन ऑब्जेक्ट कैन बी डाउटेड बट माइंड जो है उसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते डाउट नहीं कर सकते और इस चीज़ के बारे में बोला था डेकर्स ने किसने बोला था डेकर्स ने जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी ठीक है डेकर्स का कहना यह था कोजिटो आरगोसम कोजिटो आर्गोसम पॉजिटिव सम। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आई थिंक देआर फोर आई एग्जिस्ट मैं सोच सकता हूँ इसी वजह से मेरा अस्तित्व है दट मीन्स वर्ड दिस मीन्स दैट माई माइंड इज एवरीथिंग ठीक है और हमारे दिमाग में जिस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का कोई ज्ञान नहीं है कोई नॉलेज नहीं है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है दिस इज़ द मेन बेसिस दिस इज़ द मेन बेसिस ऑफ आइडियलिज्म सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का कहना क्या है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का कहना यह है कि बाकली ने अपना सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया था और उन्होंने बोला था कि हर एक चीज़ को हम अपने दिमाग के माध्यम से ही जानते हैं ठीक है उन्होंने जैसे लॉक ने प्राइमरी क्वालिटीज़ एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ दो डिस्टिंक्शन दिए थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया क्रिटिसाइज करके बोला है कि दोनों क्वालिटीज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों जो है वो माइंड डिपेंडेंट है माइंड डिपेंडेंट मतलब हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे लॉक ने बोला था कि प्राइमरी क्वालिटीज़ जो है प्राइमरी क्वालिटीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट ठीक है वेट एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कभी चेंज नहीं होता है लेकिन बाकली जो है बाकली ने अपने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे इसको क्रिटिसाइज किया क्रिटिसाइज करके बोला है कि वेट जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है एक चीज़ का वेट आज मेरे लिए बहुत भारी हो सकता है लेकिन ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक बच्चे के लिए वो जो वेट है सॉरी एक चीज़ का वेट एक बच्चे के लिए बहुत भारी हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसी चीज़ का वेट मेरे लिए बहुत कम हो सकता है ठीक है तो ऐसे ही उन्होंने बुलाया कि उसका नाम क्या है वेट जो है एंड प्राइमरी क्वालिटीज़ एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ जितने भी क्वालिटीज़ है वो सभी क्वालिटीज़ हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट हैं उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दिया था और उनका थ्योरी का नाम था एसेस्ड परसिपी एसेएस परसिपी का मतलब क्या है टू बी इज टू बी परसीव्ड समथिंग ओनली एग्जिस्ट वेन इट इज़ बींग परसीव्ड किसी चीज़ को किसी चीज़ का एग्जिस्टेंट अस्तित्व तभी हम मान सकते हैं जब हम इसको परसीव कर सकेंगे या फिर जब हम उसको फील कर सकेंगे देख सकेंगे ठीक है तो ये है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का कहना इससे हमें यह पता चलता है कि बाकली जो है वो कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है सेल्फ डिपेंडेंट मतलब माइंड डिपेंडेंट और जब कोई थियोरी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तब इसको हम बोलते हैं सोलिपसिजम सोलिप्सिज्म एस ओ एल आई पी एस आई एस एम ठीक है सोलिप्सिज्म सोलिप्सिज्म का मतलब क्या है सेल्फ़ एलोन एग्जिस्ट सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में और जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो मेरे माइंड में एग्जिस्ट करता है ठीक है तो बाकली तो बाकली को बहुत सारे लोगों ने सोलिपसिस्ट बोल के क्रिटिसाइज किया था और क्रिटिसाइज करके बोला था कि आ, क्या हर दुनिया के हर एक चीज़ का ज्ञान लेना संभव है बाकली को पूछा है तो अगर मैं किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ तो वो चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रहा है बाकली को क्वेश्चन पूछा गया था तब बाकली ने सोलिपसिज्म से बचने के लिए गॉड का हेल्प लिया था और उन्होंने बोला था कि अगर किसी चीज़ को हम परसीव नहीं कर सकते उस चीज़ को और एक पर्सन परसीव कर रहा है और वो है ऑलमाइटी दैट इज़ गॉड ठीक है तो वही चीज़ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे हैगल ने कॉम्प्लीटली हैगल ने कॉम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे डिपेंडेंस जो है वो रिखा था उसके ऊपर उनका नाम क्या है हैगल uh, ने अपना कॉम्प्लीट थ्योरी जो है हीगल ने दिया था गॉड के ऊपर डिपेंडेंट करके उन्होंने बोला था कि गॉड इज़ ओमनी ठीक है ओमनी का मतलब क्या है हर जगह पे गॉड है हर जगह पे तुम्हें गॉड मिलेगा और गॉड के माध्यम से ही हम चीजों को समझ सकते हैं तो बाकली का कहना ये था बाकली बाकली ने तो अपने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे बहुत अच्छी तरीके से आइडियलिज्म को एक्सप्लेन किया है उसके बाद हैगल ने भी अपने ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे ऑब्जेक्ट को भी प्रेफरेंस दिया है हैगल ने यह बोला है कि हाँ हर एक ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं है वो एक्चुअली गॉड के माइंड में है तो इसी वजह से ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म सब्जेक्टिव मतलब ह्यूमन बींग्स और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो है गॉड के पास ठीक है हमारे दिमाग में नहीं है वो गॉड के पास है और गॉड हमारे दिमाग में वो आइडियाज जो है ऑब्जेक्ट्स के वो पुट करके देते हैं ठीक है तो ये सभी चीजें अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी आधुनिक दर्शन के फादर जो है उन किसको बोला जाता है तो उसको बोला जाता है रेने रेनेडिकर्ट्स रेने जो है उनको बोला जाता है मॉडर्न फिलोसॉफी के फादर हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ एस एस पर्सिपी एस एस पर्सिपी का जो थ्योरी है वो किसने दिया था वो दिया था जॉर्ज बार्कली ने उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्ट इनमें से कौन आइडियलिस्ट नहीं है तो बार्कली आइडियलिस्ट है ब्रेनली जो है वो भी क्या है आइडियलिस्ट है यहां पे जी ई मोरे जो है वो आइडियलिस्ट नहीं है वो है एक मॉडर्न रियलिस्ट वो है एक मॉडर्न रियलिस्ट ठीक है नेक्स्ट नेम द आइडियलिस्ट एसोसिएटेड विद द थ्योरी थॉट एंड रियलिटी आर एट बॉटम आइडेंटिकल किसने बोला था कि थॉट जो है और रियलिटी जो है जो हम सोच रहे हैं और जो रियलिटी है वो एट लास्ट आइडेंटिकल है मतलब क्या है इन दोनों का इन दोनों में एक सेमनेस जो है वो अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है तो ये चीज़ हमें बोला गया था हेगल के द्वारा किसके द्वारा हैगल के द्वारा हु इज़ रिकॉर्डेड एज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म इन वेस्टर्न फिलोसॉफी किस किन्न्होंने आइडियलिज्म का आइडियलिज्म को फाउंड किया है वेस्टर्न फिलोसफी में ठीक है तो प्लेटो है उनका नाम ठीक है प्लेटो जो कि एक स्टूडेंट है किसके सोकेटिस के तो उन्होंने आइडियलिज्म का आइडियलिज्म को बनाया था कहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफी में आइडियलिज्म थ्योरी जो है वो सबसे पहले प्लेटो ने वेस्टर्न फिलोसफी में दिया था हुज आइडियलिज्म इज़ नोन एज प्लुरलिस्टिक आइडियलिज्म किसके आइडियलिज्म को हम प्लुरलिस्टिक आइडियलिज्म बोल सकते हैं तो ये है लेबनिस लेबनिस ने ही थ्योरी ऑफ मोनार्ट जो है वो दिया था ठीक है थियोरी ऑफ मोनार्ट जो है वो लेबनिस ने ही दिया था और लेबनिस ने लेबनिस के आइडियलिज्म को हम पुलालिस्टिक इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज लेबनिस ने बहुत सारे मोनार्टस के बारे में बात किया है उन्होंने बोला है कि हमारे हमारे आ, आ, इन आइडियलिज्म वी हैव मेनी मोनार्ट्स मोनार्ड्स का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला था कि अनकॉन्शियस uh, मोनाड है हाँ सबकॉन्शियस मोनाड है कॉन्शियस मोनाड है एंड सुपर कॉन्शस मोनार्ड्स है yeah. उन्होंने बोला था कि गॉड जो है वो सुपर कॉन्शस मोनाड है उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो है वो पूरा मतलब उन्होंने पूरे यूनिवर्स को मोनार्ड्स में डिवाइड किया है ठीक है उन्होंने पूरे यूनिवर्स को मोनार्ट्स में डिवाइड किया और उन्होंने मोनाट्स जो वर्ड है वो उन्होंने एटम्स के साथ कंपेयर किया है वो जो साइंस में हम हमने पढ़ाई किया था एटम्स के बारे में स्मॉल पार्टिकल्स हाँ तो वो एटम्स के साथ कंपेयर किया है उन्होंने बोला था कि सुप एक होता है एक होता है सुपर कॉन्शस सुपर कॉन्शस मोनाड उसके बाद है कॉन्शस मोनाड उसके बाद है सब सबकॉन्शस मोनाड उसके बाद है अनकॉन्शस मोनाड मोनार्ट को उन्होंने चार हिस्सों में डिवाइड किया था अनकॉन्शियस मोनाट क्या है अनकॉन्शियस मोनाड है जिसमें कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोन ठीक है पत्थर ठीक है ये सभी अनकॉन्शियस मोनार्ड्स है ये हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस मोनर्ट्स मतलब प्लांट्स जिनमें जो जिनमें इतना कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन प्लांट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो है वो बड़े होते हैं उनका एक ग्रोथ है दैट्स वाई उनको बोला गया है सबकॉन्शियस ठीक है कॉन्शियस मोनार्ट कौन है ह्यूमन बींग्स ठीक है और सुपर कॉन्शियस मोनाट कौन है भगवान ठीक है तो लेबनिस ने मोनार्ड्स को चार हिस्सों में डिवाइड किया था एक है सुपर कॉन्शियस मोनार्ट उसके बाद कॉन्शियस मोनार्ड सुपर कॉन्शियस मोनाट एक ही है जो है भगवान ह्यूमन बींग्स जो है वो है कॉन्शियस मोनर्ट्स सब कॉन्शियस मोनार्ड्स कौन है प्लांट्स ठीक है एनिमल्स इनको हम बोल सकते हैं सब कॉन्शियस जिनमें थोड़ा कॉन्शियसनेस है ठीक है रेशनलैलिटी बहुत कम मिलेगा तुम्हें वहाँ पर प्लांट्स uh, में तो है ही नहीं अनकॉन्शियस मोनर्ट्स जो है वो है तुम्हारे स्टोन्स ठीक है स्टोन्स जो है वो है तुम्हारे अनकॉन्शियस मोनर्स उसके बाद देखो क्या है हु हैज गिवेन द थ्योरी ऑफ नोमार्ट्स नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे होगा मोनार्ट एमओ एन ए डी एस ओके हुज गिवेन द थ्योरी ऑफ मोनार्ट तो यह दिया था लेबनीस ने लेबनीस ने आइडियलिज्म को जब एक्सप्लेन करने गए थे तब उन्होंने थ्योरी ऑफ मोनार्ट जो है उसको दिया था यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के टाइम पे वट हुई दैट कोजिटो आरको समने ये बोला था कोजिटो आर्गोसम कोजिटो आर्गोसम बोला था डेकर्स ने और कोजिटो आर्गोसम का मतलब है आई थिंक दे फोर आई एग्जिस्ट मैं सोच सकता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ देअर्स वाई मेरा एग्जिस्टेंस है मेरा अस्तित्व है हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म इन वेस्टर्न फिलोसफी ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन हो गया है कि आइडियलिज्म के फाउंडर वेस्टर्न फिलोसफी में कौन है वो है प्लेटो तो ये है और एक और दो क्वेश्चंस यहाँ से देख लेना जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव आइडियजम का जो थ्योरी है वो किसने दिया था सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का थ्योरी दिया था जॉर्ज बर्कली ने एंड ऑब्जेक्टिव आइडलिज्म का जो थ्योरी है उसको दिया था जॉर्ज हेगल ने उसके बाद उसका नाम क्या है और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सोलिप्सिज्म का मतलब क्या है सोलिप्सिज्म का मतलब है सेल्फ एलोन एग्जिस्ट ठीक है और किसने सोलिप किसके थ्योरी को हम सोलिपसिज्म के सोलिपसिज्म के साथ कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है सोलिप्सिज्म के साथ सोलिपसिज्म के साथ हम किसके थ्योरी को कनेक्ट कर सकते हैं तो ये है बाकली के सब्जेक्टिव एडियलिज्म को ठीक है बर्कली का जो सब्जेक्टिव एडियलिज्म है इसके साथ हम सोलिपसिज्म को कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये सभी क्वेश्चंस जो है एक बार अच्छे से देख लेना नेक्स्ट वीडियो पे हम एथिक्स एंड पुरुषार्थों डिस्कस करेंगे और चाहे मतलब अगर हो सकता है तो रिलीजन भी डिस्कस करके लॉजिक एंड फिलोसफी के जो वन मार्क्स है उसको हम ख़त्म कर लेंगे ताकि हम टू मार्क्स फोर मार्क्स सिक्स मार्क्स पे जा सके और उनको भी कवर कर सकें ठीक है थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो